Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here to give you a review of the much awaited movie of the season, Drishyam 2. Yes, I just watched Drishyam 2 and the smile on my face can tell you that it was an awesome movie to watch. तो मेरे जिन दोस्तों को नहीं पता है कि दृश्यम 2 दृश्यम 1 का सीक्वल है, उन्हें मैं बता दूं कि जी हाँ, ये दृश्यम 1 का सीक्वल है। और ये सीक्वल इसलिए आया क्योंकि दृश्यम 1 की जो स्टोरी लाइन थी और जो एंडिंग थी वो दृश्यम 2 बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप देती है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वी हैव दृश्यम 2 इन प्लेस। तो मूवी की शुरुआत में ही दृश्यम 1 की थोड़ी सी ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें कि पता चलता है कि विजय जो कि अजय देवगन है और नंदिनी जो कि श्रेया है, वो अपनी दो बेटियों के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। पर समीर जो सैम है, जिसका मर्डर हुआ था, वो उनकी बड़ी लड़की अंजू को कुछ वीडियोस दिखा के परेशान कर रहा होता है। तो ऐसे में अंजू के हाथ से समीर का मर्डर हो जाता है और विजय सारे सबूतों को मिटाने में लगा रहता है और अपनी फैमिली को इस मर्डर केस से बचाने में लगा रहता है। दृश्यम 1 में उसने गोवा पुलिस को काफ़ी फूल अराउंड किया और लास्ट में अपनी फैमिली को सेव कर लिया। तो दृश्यम 1 की ये ब्रीफिंग पहले ही दे दी जाती है ताकि हम जो लोग दृश्यम 2 देख रहे हैं। तो दृश्यम 1 की एंडिंग में ये पता चला था कि सैम मर गया है, पर विजय और उसकी फैमिली का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। पर सैम की बॉडी कहाँ दफनाई गई है ये किसी को नहीं पता होता है। 7 साल बाद ये कहानी फिर से शुरू हो जाती है। विजय जो एक केबल ऑपरेटर था, उसका बिजनेस बढ़ गया है और उसका अभी खुद का एक थिएटर भी है। वो अपनी फैमिली के साथ वैसे ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा है। उसने अपनी फैमिली को ये बोल के तो रखा है कि उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं और किसी को कभी भी किसी तरीके का सच बताने की ज़रूरत नहीं है, पर उसकी फैमिली जो कि उसकी पत्नी है और दो बेटियां हैं, उनके दिल में हमेशा ये डर रहता है कि जो बात दब गई है वो कभी भी खुल सकती है और ये चीज़ उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मूवी आगे ऐसे ही चारों की खुशहाल ज़िंदगी दिखाते हुए आगे बढ़ती है। पति पत्नी और दो बेटियां वैसे ही हंसते खेलते जीवन बिता रहे होते हैं कि तबू जो कि मीरा का किरदार निभाती है और दृश्यम 1 में वो आईजी बनती है, इस दृश्यम 2 में वो रिज़ाइन कर चुकी होती है, वो इस कहानी में वापस आ जाती है। विजय को ऐसा लगता है कि मीरा इंडिया में ही नहीं रहती, पर मीरा विजय के सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए है और वो वापस आ जाती है अपने बेटे सैम के मर्डरर का पता करने के लिए और बेटे की लाश कहाँ दफनाई गई है ये पता करने के लिए। पर विजय कितना भी चाहे, उसकी पत्नी नंदिनी और बेटी अंजू जब भी पुलिस को देख लेती हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और नंदिनी तो कुछ हद तक अपनी एक सहेली से सारे सीक्रेट्स भी शेयर कर लेती है। पुलिस भी किसी ना किसी बहाने से इन लोगों से सच उगलवाने में लगी रहती है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है और विजय हमेशा अपनी चालाकी से पुलिस को मात दे देता है। कहानी तब और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब अक्षय खन्ना आईजी सावंत के रूप में इस कहानी में आते हैं। वो मीरा के दोस्त हैं और मीरा की मदद करते हैं विजय और उसकी फैमिली तक पहुंचने के लिए
और उनसे अपना जुल्म कबूल कराने के लिए। पर यह इतना आसान नहीं होता है। पर आईजी सावंत भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहे होते। उनने काफ़ी ऐसी चीज़ें प्लॉट की होती हैं जिसमें विजय फंसता चला जाता है और आखिरी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसमें उसे सब कुछ कबूल करना पड़ता है। अब वो ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप मूवी में उन ट्विस्ट एंड टर्न्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। द लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द मेजर ट्विस्ट एंड टर्न वहीं पे होता है। मीरा को ऐसा लगता है कि वो विजय को कंट्रोल कर रही है और उसकी सारी हरकतों पे उसकी नज़र है, पर होता कुछ और ही है। विजय अपने सारे जुर्म कबूल करने के बाद भी लास्ट में कैसे बच जाता है, ऐसा वो क्या करता है कि जिससे पुलिस उसको पकड़ने के बाद भी, उसकी फैमिली को जेल में डालने के बाद भी उनको रिलीज़ कर देती है, और ऐसा रिलीज़ करती है कि वो केस पूरा ही वापस लिया जाता है। ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट टू। Starts with some understanding of what Drishyam 1 was like, so that jin logon ko nahi pata hai Drishyam 1 ke bare mein unko pata chal jata hai aur wo phir Drishyam 2 ko connect kar pate hain. Storyline is movie ki bahut hi achhi hai aur fresh story hai. Jo plotting ki gayi hai wo bhi bahut achhi hai. Coming to locations, locations look like very authentic. पूरा सेटअप गोवा का दिखाया गया है, तो पता नहीं ये मूवी गोवा में शूट हुई है या नहीं, बट आपको ऐसे देख के लगेगा नहीं कि ये गोवा में नहीं शूट की गई है. जो बीचेस हैं, जो ग्रीनरी है, जो वेदर है, पूरा गोवा जैसा दिखाया है, तो गोवा वाली फील तो पूरी देती है ये एक्टिंग. व्हाट एक्टिंग बाय यू नो द स्टार कास्ट. अजय देवगन इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. वो तो आंखों से ही सारी बात कर देते हैं. So he's so good in performing the kind of role he's been given, and so he's too good. Shreya comes across as a very adjusting housewife. Usko role wo diya tha aur usne usko bahut acche se perform kiya hai. Both the girls are good at doing their job. Tabu, oh my god, she is just fab. So all the actors have done justice to their role, and even the comic timings of people who are supposed to do some comedy or infuse some comedy to the serious plot, they've done good job. And so overall acting wise it is like 10 on 10. Drishyam 1 ki ending udhar hui thi jahan pe sab pata karne ki koshish karte hain ki body kahan chupai gayi hai. और इसमें जब ये खुलासा होता है कि बॉडी एक्चुअली कहाँ छुपाई गई है सैम की, तो दैट्स वेरी स्टार्टलिंग एंड कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि वहाँ पे सैम की बॉडी आफ्टर मर्डर हाइड की गई होगी. और उसके बाद भी जब मूवी ऐसे चौराहे पे आती है, जब पता चल जाता है कि अब तो जो एक्टर है अजय देवगन, उसका नाम मूवी में विजय है, कि अब तो विजय को जेल हो जाएगी और अब तो उसको सज़ा मिल जाएगी, तभी ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आता है कि पुलिस इज लाइक, इस पार्ट में भी विजय ने गोवा पुलिस को घुमा दिया है. सॉन्ग्स इस मूवी में ज़्यादा है नहीं, कुछ एकाध सॉन्ग हैं, और वो ऐसे कैसे लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ड्राइव में आप जाते हैं तब आप सुन सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तब आप वो गाने इन्जॉय कर सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा फुट टैपिंग नहीं है, बट दे आर लाइक ओके यू कैन एंजॉय. बट यस, सॉन्ग वाइज दिस मूवी विल नॉट गिव यू लॉट ऑफ सॉन्ग्स टू चूज फ्रॉम, कपल ऑफ देम, बट यू विल एंजॉय. शो ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो मुझे पी कार्स की तो टिकट्स मिली ही नहीं. आई वॉज ट्राइंग सिंस मॉर्निंग बट आई कुड नॉट गेट पी कार्स टिकट्स, एंड आई हैड टू सेटल डाउन फॉर लेट इवनिंग शो. बट लकीली वो मिल गया.
and the seats, the hall was full even before we entered. You know, the previous show was full, and all the shows which are now happening are going full. I don't think next 2-3 days to tickets milna asaan nahi hoga. Maybe you can try after that. So friends, I hope you like the review and you would find time to see this movie. Please like, share the video and subscribe to my channel so that you keep getting reviews of upcoming movies which are lined up for November and December. Till then, enjoy the weekend. Bye.